वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आज हम आए हुए हैं अपना खेत और आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ खेत का नज़ारा जहाँ काफ़ी सुंदर है। तो चलिए हम आपको आज खेत घुमाते हैं और आए हुए हैं आज खेत की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ जो है ये काफ़ी सारे मनिजरा है, जो कि इसे मनिजरा बोला जाता है, जलावन के लिए यूज होता है। काफ़ी सारा यहाँ मनिजरा है, आप देख सकते हैं खेतों में सिर्फ इसे जलावन के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं इसका पूरा देखने में कैसा होता है और इसका गाछ कैसा होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह जो है कि देखने में कैसा लगता है, काफ़ी सुंदर है। और इसमें जो देखिए लंबा लंबा फर है, कितना सुंदर है अभी देखने में, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और गाछ जो है कि बहुत बड़ा बड़ा होता है, जो कि काफ़ी सुंदर है अभी आप देख सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ जलावन के लिए ही यूज होता है। तो फाइनली देखिए हम अभी आ चुके हैं अपना खेत और यहाँ पे देखिए पूरा मनिजरा लगा हुआ है और इसमें जो है कि छोटे छोटे फर आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए ये छोटा छोटा सा फर है और काफ़ी सुंदर है देखने में, काफ़ी अच्छा लगता है। और यह इसका फूल है और यह जो है कि काफ़ी जलावन के लिए ही यूज होता है। तो चलिए हम अपने खेतों का भ्रमण करते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का कुछ नज़ारा। तो अब चलते हैं हम आगे और यहाँ देखिए रास्ता बना हुआ है खेत की ओर जाने के लिए। और आगे जो लगा हुआ है ये देखिए, ये धान की फसल काफ़ी सुंदर लगता है। यह धान है, अभी छोटा छोटा सा पौधा है, इसमें जो है कि बड़ा बड़ा होगा फिर धान खिलेगा। और इसमें अभी पानी चाहिए, तो बारिश हुई है तो थोड़ा बहुत, और काफ़ी इसमें जंगल अभी है। और यह है धान की फसल, आप देख सकते हैं धान की फसल कैसा होता है। और इसमें बहुत सारे जो है कि अभी जंगल है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यह है धान की फसल, इसमें धान लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर है और पूरा खेत में धान ही धान है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ का जो है नज़ारा कुछ इस प्रकार है, धान की फसल लगी हुई है इसमें। और अब हम आ चुके हैं दूसरी खेत की तरफ और यहाँ भी काफ़ी मनिजरा लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं अपना खेत और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे मनिजरे लगे हुए हैं और काफ़ी क्षति हो चुका है, क्योंकि भैंस जो है कि इसमें घुसा के जो है कि काफ़ी तोड़ फोड़ दिया है, तो क्षति ज़्यादा कर चुका है। तो ज़्यादा सब काफ़ी उपमुट होता है और अपने भैंस को जो है कि अब दूसरे के चारे में चरा देता है, इस चास को काफ़ी नुकसान कर चुका है। तो आपको दिखाएंगे कि ज़्यादा सब जो है कि वहाँ भैंस चरा रहा है और रात में जो है कि शाम के समय में जो है कि दूसरे का फसल चरा देता है, काफ़ी नुकसान करता है, हुड़मुड़ जात होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ बहुत सारे क्षति मेरा जो कर दिया है अभी भैंसों को घुसा कर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं भैंस। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पे जो है कि बहुत सारे मनिजरा था, काफ़ी नुकसान कर दिया है। आप इधर देखिए तोड़ फोड़ के जो है कि काफ़ी नुकसान क्षति कर दिया है। यहाँ बहुत सारे थे, जलावन के लिए इसे यूज किया जाता है और भैंस सब घुसा घुसा के जो है कि काफ़ी नुकसान कर देता है। ज़्यादा जो है कि काफ़ी हुड़मुड़ जात होता है, वह किसी का नहीं मानता है और रात में पूरा जो है कि फसल को नुकसान कर चुका है। इस महीने के बाद काट लिया जाएगा, फिर इसको जलावन के लिए यूज किया जाता है। और इसमें जो है कि काफ़ी फर भी हो चुके हैं, तो चलिए हम आपको इनका फर और फूल भी दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है, खेतों का दृश्य जो है कि काफ़ी अद्भुत लगता है देखने में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना हरियाली है और जंगल जैसा लग रहा है, काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो आप देख सकते हैं काफ़ी घना यहाँ पे लग रहा है, तो काफ़ी डरावना सा जगह है ये। और देखिए पूरे खेत में जो है कि मनिजरा ही है और देखने में काफ़ी ड्रावना सा सीन लग रहा है। आपको हम दिखाते हैं यहाँ का जो दृश्य कुछ इस प्रकार है। बीच में है और काफी सुंदर यहाँ का नज़ारा है और बहुत सारे हमारे पीछे यहाँ पे देखिए मनिजरा का पेड़ है और इसमें बहुत सारे फर भी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें यह फर कैसा लगता है और इसका फूल कैसा है, काफ़ी सुंदर है। और यह सब
तो इसमें फल उल नहीं होता है, सिर्फ इसे जलावन के लिए लगाते हैं। तो फाइनली हम आपको दिखाते हैं यहाँ का जो दृश्य है, काफ़ी सुंदर है। आज पहली बार जो है कि अपना खेत आए हुए हैं और आप सब भी देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अपना मशीन पटवन के लिए यूज किया जाता है। अभी तो बारिश का मौसम है तो इसमें पटवन नहीं होता है, बारिश के बाद इसी से पटवन किया जाता है। यह अपना मशीन है जिससे हम सिंचाई का काम करते हैं, खेत को सींचते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें कितना जंगल उंगल हो चुका है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पटवन का कार्य होता नहीं है, तो काफ़ी जंगल यहाँ हो चुका है। अब बारिश के बाद इसको साफ करना पड़ेगा फिर से। तो यह अपना छोटा सा इंजन है